देश भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार किए जा रहे हैं, और इन सुधारों में सबसे जरूरी है कि सड़क पर चलने वाले लोग ट्रैफिक नियमों का अच्छी तरह से पालन करें। यही वजह है कि देश में न केवल ट्रैफिक चालान में वसूली जाने वाली रकम बढ़ा दी गई, बल्कि कई ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करने पर जेल की हवा खाने तक की नौबत कानून में डाली गई। लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही अलग है। कर्नाटका के बेलगावी में तो एक महिला ने ट्रैफिक चालान के चलते अपने सुहाग को ही दांव पर लगा दिया। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है। पूरी घटना की शुरुआत 7 मार्च को हुई, जब बेलगावी के ग्रामीण इलाके की रहने वाली भारती अपने पति के साथ खरीदारी करने के लिए बेलगावी शहर पहुंची। शॉपिंग में करीब 1700 रुपए खर्च करने के बाद पति पत्नी ने 100 रुपए का नाश्ता भी किया। कुल मिलाकर उनके पास जितने रुपए थे वो खर्च हो गए और वो अपने गांव लौटने लगे। वो बेलगावी के बस स्टैंड के पास पहुंचे ही थे कि अचानक भारती और उनके पति का रास्ता ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। हेलमेट ना पहनने का चालान काटते हुए पुलिस ने भारती के पति से 500 रुपए फाइन भरने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। जितने पैसे वो लेकर आए थे वो सब खर्च हो गए, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। लगभग 2 घंटे तक पुलिस वालों और दंपत्ति के बीच बहस होती रही, लेकिन जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तो भारती ने अपने सुहाग की निशानी मंगलसूत्र, जिसे कोई भी पत्नी आखिरी दम तक बचा कर रखती है, पुलिस वाले के हाथ में रख दिया और उसे बेच कर फाइन भरने के लिए कहा। भारती के अचानक मंगलसूत्र उतारने की वजह से पुलिस वाला सकपका गया। इससे पहले कि बात और बढ़ती, मौके पर कुछ सीनियर अधिकारी भी पहुंच गए और उन्होंने जब भारती और उसके पति की बात सुनी तो उन्हें मौके से जाने की इजाजत दे दी। लेकिन बेलगावी की ये घटना पूरे कर्नाटक क्या पूरे देश में मशहूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।